कैसे हो आप लोग? कैसे आप लोग। हेलो गाइस, मैं हूं उमा और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, लाइक और डिसलाइक, लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये है, ये देखिए, ये मैंने बनाया हुआ था। सॉरी, ये देखिए, ये उसका बना हुआ है, डोरी का, मैक्रम का, ये मैंने बनाया था। और ये है, ये मैगजीन होल्डर है, लेकिन मैंने तो इसमें मास्क वगैरह भर रखा है और बहुत सारा सामान रख रखा है। और ये है, इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और ये है हमारा हैंकी होल्डर, देखिए इस पे हमारे हैंकी लगे हुए हैं। और ये मेरे बेटे की गिटार है, उसे बहुत शौक है गिटार बजाने का। और ये रखी हुई है दीदी की मशीन, सिलाई मशीन, क्योंकि कल उन्होंने सिलाई की थी तो हमारे ही रूम में रख दी है। और आप लोग बताइए कैसे हैं आप लोग? और शाम का टाइम हो गया है, आप लोगों को तो पता है कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग शाम को ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे बेटे की क्लास आती है और आज हवा चल रही है। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कपड़े कैसे उड़ रहे हैं। ये देखिए, टॉवल जो है वो हिल रही है, और शिवे की वो भी टंगी हुई है इनर, तो वो भी हिल रही है। और आप लोग कैसे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैंने चाय पी ली है, क्योंकि मुझे 3:30 बजे से ही चाय की लगने लग जाती है। और देखिए, मेरे चाय के बर्तन रखे हुए हैं अभी सिंक में, और मैं इन्हें धोऊंगी वीडियो बनाने के बाद। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशंस, डार्क सर्कल, फाइन लाइंस हो जाती हैं तो आप उसको कैसे हटाएं। तो बहुत छोटा सा आपको करना है, बहुत छोटा सा हेलो फ्रेंड्स, इससे तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। शिव, गेट खोल दो बेटा, ओके। रोशनी थोड़ी कम आ रही है, तो मैंने कहा चलो, मैं शिव से कहा कि बेटा गेट खोल दो। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं बैठ जाती हूँ बेड बेड पे। तो देखिए, ये है विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये मार्केट में आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। ये 15 या 20 रुपीज़, 27 रुपीज़ के लगभग मिल जाते हैं आराम से। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके चीक्स पे फाइन लाइंस हो जाती हैं, या डार्क सर्कल हो, वो डार्क स्पॉट हो जाते हैं, सॉरी, ये पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, तो आपको करना क्या है, बस एक कैप्सूल को निकालना है। ये देखिए, ग्रीन कलर का होता है इस तरीके से, और इसको छोटी वाली सीज़र से काटना है इस तरीके से। या तो आप इसे छोटी वाली सीज़र से काट लें, या फिर आप इसमें किसी भी नीडल से होल कर लें, और इसे आपको फिंगर पे इस तरीके से निकालना है। ये लगता है कटा नहीं है अच्छे से, मैं दोबारा काट देती हूँ। सबसे पहले आपको शाम को इसे, आपको शाम को ही यूज़ करना है, सुबह आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली जैसा होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है। तो अगर आप दिन में इसे लगा लेंगे तो धूल मिट्टी डस्ट आपके चेहरे से चिपक जाएगी। तो आपको करना क्या है मैं बता देती हूँ कि आपको शाम को अपने फेस को अच्छे से पानी से धोना है। आप ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, गुनगुने पानी से भी धो सकते हैं। उसके बाद आपको विटामिन ई का एक कैप्सूल लेना है, ये कई नामों से आता है, विटामिन ई कैप्सूल 400 के नाम से भी आता है, और इवियोन के नाम से भी आता है, ये कई नामों से आता है, लेकिन मोस्टली ये ग्रीन कलर में ही मिलता है। तो आपको एक कैप्सूल इस तरीके से लेना है, और देखिए मैंने इसे सीजर से कट कर दिया है। और फिर आपको फिंगर पे थोड़ा सा, ये देखिए, फिंगर पे थोड़ा सा लेना है, और आपको इस तरीके से लगाना है, इसकी मसाज करनी है थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। मैं आपको दिन में बता रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए, और लेकिन आपको इसे दिन में नहीं लगाना है, शाम को सोते टाइम लगाना है। इस तरीके से आपको लगाना है, और ज़्यादातर जो डार्क स्पॉट होते हैं वो नोज़ पर होते हैं, या फिर चीक पर होते हैं, या फिर हमारे फोरहेड पर होते हैं। तो आपको ऐसे ही लगाना है, इसमें से थोड़ी स्मेल आती है, तो आप लोगों को वो स्मेल थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और आपको फिंगर से ऐसे ही धीरे धीरे इसे लगाना है, और सुबह आपको इसे वॉश आउट कर देना है। गुनगुने पानी से भी कर सकते हैं आप, ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को सूटेबल लगे आप वैसा ही कीजिए। और आपको ये
एवियन का कैप्सूल या फिर विटामिन ई का कैप्सूल किसी भी आपको कंपनी का मिल जाए, आपको जब तक लगाना है जब तक कि आपके फाइन लाइंस और डार्क सर्कल्स निकल नहीं जाए। तो चलिए आप लोग भी तैयार हो जाइए इसे लेके आने के लिए और हटा लीजिए अपने फाइन लाइंस, डार्क सर्कल। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से कहूँगी ज़रूर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आई नीड योर हेल्प। और आपका सब्सक्राइब करने का या लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो आप प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए और आप लोग एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। इसका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 27 या 20 रुपीज़ के लगभग आता होगा पैकेट। इसमें 12 या 10 कैप्सूल होते हैं, सॉरी 12 कैप्सूल हैं इसमें। ये देखिए मैंने एक निकाल लिया है इसमें से, और एक कैप्सूल आपका लगभग 2 दिन चलेगा। तो आज ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि क्रीम वगैरह जब भी हम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, तो इसका तो खर्चा बहुत ही कम है। तो आप लोग एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।